एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का एक टॉपिक जिसमें मैं आपको बताऊंगी एंगल्स क्या होते हैं एंड वर्टेक्स क्या होती है। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं? टू रेज और लाइन सेगमेंट्स विद द कॉमन फिक्स्ड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि एक रे होती है, एक लाइन होती है एंड एक लाइन सेगमेंट्स होते हैं। तीन टाइप्स होती हैं लाइंस की, तो या टू रेज हो सकती हैं या फिर लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, विद अ कॉमन फिक्स्ड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जैसे मैंने एक रे यहाँ से यहाँ तक बनाई, ठीक है, इसका एंड पॉइंट ये है, ठीक है, ये एक रे है और एक रे मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाई, ठीक है, ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं आपस में, तो इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर जो एक एंगल बनता है उसे हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एंगल हो गया ए ओ एंड बी, ठीक है, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होती है? द कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज और अ लाइन सेगमेंट इज नोन एज वर्टेक्स। इन दो लाइंस के बीच में जो कॉमन पॉइंट है उसे ही हम बोलते हैं कि ये वर्टेक्स होता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो जी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।